हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक फंडा। स्टॉक फंडा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट इन फ्यूचर में क्रैश हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, तो इस बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा, इसके चलते न्यूज़ निकल के आ रही है कि आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने कल एक स्टेटमेंट दिया है। उस स्टेटमेंट में बताया है कि रेपो रेट यानी कि रेपो रेट में इंक्रीज़ हो सकता है। कितना इंक्रीज़ होगा, 40 पॉइंट इंक्रीज़ होगा, 50 पॉइंट इंक्रीज़ होगा, ये अभी तक पता नहीं है, अभी तक तय नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ की ओर। न्यूज़ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 23 तारीख यानी कल शाम की न्यूज़ है। और इसमें क्या बोलते हैं शशिकांता दास, इसमें शशिकांता दास कहते हैं कि आरबीआई कहती है कि रेपो रेट इंक्रीज़ हो सकता है। अभी मैं आपको बता दूँ कि रेपो रेट होता क्या है। नॉर्मली क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो होती है, रिज़र्व बैंक, यानी कि रिज़र्व बैंक जो है दूसरे कमर्शियल बैंक्स को, प्राइवेट बैंक्स को लोन देती है, यानी कि रिज़र्व बैंक अपना पैसा को लोन देती है दूसरे बैंक्स को, ताकि उस पैसे से वो जो दूसरे बैंक्स हैं वो बैंक कॉरपोरेट्स को या फिर आम पब्लिक को उस पैसे से लोन दे सकें। तो रिज़र्व बैंक जो होती है, रिज़र्व बैंक एक रेट तय करती है इन बैंक्स के लिए। जैसे कि पहले रेट था 4%, अभी पिछले महीने आरबीआई ने 4 से 4.4% यानी कि 40 बेसिस पॉइंट रेट इंक्रीज़ किया, यानी कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया। तो पहले जो आरबीआई लोन देती थी दूसरी बैंक्स को, वो देती थी 4% पे, अभी वो रेट इंक्रीज़ होकर 4.4% हो गया है। तो अभी 6 से 8 जून को, यानी कि अभी डेट फिक्स हो गई 8 जून को एक और मीटिंग है आरबीआई की। उस आरबीआई में रेट इंक्रीज़ करने की घोषणा की है हमारे गवर्नर शशिकांत दास ने। और ये रेट इंक्रीज़ क्यों होता है वो मैं आपको बता दूँ। रेट इंक्रीज़ होता है महंगाई कम करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 8 सालों की सबसे ज़्यादा महंगाई 6% इन्फ्लेशन जो है वो इन 2-3 महीनों में रही है। तो ये महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई नॉर्मली रेट इंक्रीज़ करती है। आपको पता होगा कि अमेरिका में भी इस टाइम तकरीबन पीछे 10-12 सालों की महंगाई सबसे ज़्यादा है, इवन इंडिया से भी ज़्यादा है। तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे भी रिज़र्व बैंक क्या करती है, वो भी रेट इंक्रीज़ किया हुआ है। वहाँ तो आई थिंक 4-5 बार रेट इंक्रीज़ हुआ है, और इन फ्यूचर भी अमेरिका में रेट इंक्रीज़ और हो सकते हैं। इसलिए भी यूएस का मार्केट भी काफ़ी डाउन है, और ये रेट इंक्रीज़ होने से महंगाई को एक तरीके से रोक सकते हैं। क्योंकि जब रेट इंक्रीज़ होते हैं, आपके इंटरेस्ट के रेट इंक्रीज़ होते हैं, तो आपकी ईएमआई बढ़ जाती हैं, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, तो आप खर्चा कम करते हैं। जब आप खर्चा कम करते हैं तो महंगाई कम होती है। खर्चा कम करेंगे यानी कि आपकी ज़रूरतें कम होंगी। जब ज़रूरत कम होंगी तो आप किसी भी चीज़ को एक लिमिट में परचेस करेंगे, एक लिमिट में खर्चा करेंगे। जब खर्चा कम होगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो होती हैं मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है, और डिमांड कम होने से रेट जो है हाइक नहीं होती। जब किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो नॉर्मली आपको पता है कि जब डिमांड ज़्यादा होगी तो रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाते हैं, और जब डिमांड कम होती है तो रेट घट जाते हैं। तो इसलिए जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगले महीने 8 तारीख को आरबीआई गवर्नर रेट इंक्रीज़ करने वाले हैं, और कितना इंक्रीज़ करेंगे वो नहीं पता अभी तक, लेकिन उन्होंने बोला है कि तकरीबन 5.15% तक हो जाएगा। अभी जो रेट है 4.40 है लैंडिंग रेट जो आरबीआई का है, और आगे हो सकता है कि 5.15 तक हो जाए, और इन फ्यूचर भी हो सकता है कि ये रेट और भी इंक्रीज़ हो, ये भी कन्फर्म नहीं है। ये देखिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रेट हाइक इज़ ए नो ब्रेनर, दास सेड ऑन इंटरव्यू CNBC 18। देयर विल बी सम इंक्रीज इन द रेपो रेट, बाय हाउ मच आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू, बट टू यू से टू 5.15% नाउ विल नॉट बी एक्यूरेट। यानी कि वो कह रहे हैं कि अभी जो 4.4 चल रही है तो 5.15 हो जाएगी, दिस इज़ नॉट एक्यूरेट, यानी ये कि श्योर नहीं है कि कितना रेट इंक्रीज़ होगा, लेकिन रेट इंक्रीज़ ज़रूर होगा। अभी 4.4 है, हो सकता है कि 4.9 हो जाए, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट और भी इंक्रीज़ हो जाए। तो जब रेट इंक्रीज़ होता है तो उस टाइम मार्केट डाउन होती है। आपको पता होगा कि 4 मई को जब रेट इंक्रीज़ हुआ था, ये दिखाता हूँ आपको मैं, 4 मई को दास कमेंट केम आफ्टर द MPC सरप्राइज एवरीवन ऑन May 4 हाइकिंग द रेपो रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट टू 4.4%। 4 मई को जब रेट इंक्रीज़ हुए थे, मार्केट ज़बरदस्त नीचे आ गई थी। मार्केट में 700-800 पॉइंट का, निफ्टी में तकरीबन इतने पॉइंट की गिरावट हो गई थी। तो इस तरीके से जब सडनली जब रेट इंक्रीज़ होते हैं आरबीआई के, तो इस तरीके से रेट जब इंक्रीज़ होने के बाद मार्केट पे इसका असर होता है, और FIIs और DIIs दोनों मिलकर माल बेचते हैं, मार्केट में क्रैश जैसी तस्वीर आती है।
तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, तो आपको इस टाइम बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हैं तो आपको वेट करना चाहिए 8 जून का। हो सकता है कि 8 जून को मार्केट में गिरावट हो, और वो गिरावट वाला मौका हो सकता है कि आप उस टाइम मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो जो गिरावट होती है तो अच्छी गिरावट होती है, तकरीबन हर शेयर गिरा होता है, तो वो सही टाइम होगा मार्केट में एंट्री करने का। वो भी लमसम पैसा एक साथ नहीं डालना है, वो आपको थोड़ा थोड़ा SIP के जरिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस टाइम मार्केट में गिरावट है, 16,400 लेवल है निफ्टी का। जब तक 16,400 लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक मार्केट में तेज़ी नहीं आएगी। और इवन एक या दो दिन में 16,400 निफ्टी ने क्रॉस भी कर लिया तो भी 8 जून को ये, जब तक शशिकांत दास RBI गवर्नर कुछ न्यूज़ नहीं आती तब तक मार्केट ऐसे ही चलती रहेगी, मार्केट में तेज़ी नहीं आएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली न्यूज़ आपके डायरेक्ट इनबॉक्स में मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।